इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। कुर्सी में अब क्या दिक्कत आ गई? जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। फिर से देश की जनता को धोखा दिया। Hey guys, welcome to my channel. Guys, अभी तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ देश की सबसे बड़ी न्यूज। अच्छा जी हाँ, सबसे बड़ी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM, आम आदमी पार्टी के लीडर अरेस्ट कर लिए गए हैं ED मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक और पार्टी हाई कमांड बन गया, एक और पार्टी बन गई, एक और सत्ता का खेल चल गया। अभी देखो जो भी ये चल रहा है, मतलब सबसे हैरानी की बात ये है कि हमारे देश की मतलब इंडिपेंडेंट भारत की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑन ड्यूटी किसी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है ना। कमाल की बात, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कोई गलत करेगा तो भुगतेगा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बार बार बोला जा रहा था कि आप हमारे पास आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, पर वो हमेशा ही इग्नोर कर रहे। नौ बारी समन देने के बाद अब फाइनली ED ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। तो लेकर पॉलिसी केस का मेजर कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। His arrest is because of his own deeds. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं अन्ना हजारे जी। सुन, I am very upset that Arvind Kejriwal, who used to work with me, raised his voice against liquor, is now making liquor policies. His arrest is because of his own deeds. इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। Former Supreme Court Judge N. Santosh Hegde said कि वो पूरे डिसअपॉइंटेड हैं। ही इज टोटली डिसअपॉइंटेड विद आम आदमी पार्टी लीडर एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, हु वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एन एक्साइज पॉलिसी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। मैं आपको बता दूं, ये जो जस्टिस हेगड़े हैं, ये अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी चला चुके हैं। तो इस पे हजारे जी का क्या रिएक्शन है, चलो वो देखते हैं। शराब के बारे में अच्छी बुरी कहना अलग बात है। हमारा काम शराब की नीति बनाने का नहीं। शराब बुरी है, ये छोटा बच्चा से बड़ा आदमी तक जानता है। शराब की नीति बनाना अच्छी और बुरी है, लेकिन शराब को छोड़कर जो कुछ करना, ये मैंने उसको आने कई बार बताया था, लेकिन उन्होंने शराब की नीति तय किया, नई शराब की नीति। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। अरे अरे, हमेशा कुर्सी को ही क्यों दोष देते हो भाई? कुछ अपने भी संस्कार होते हैं, अपने भी कुछ ईमान होते हैं, और लोग भी हैं देश में जो काम कर रहे हैं, जो कुर्सी के बारे में नहीं सोचते। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। अबे साले, और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाए। यहाँ वो नहीं, अपनी बात करिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।